सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ENT गुड़गांव.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव में। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही नई तकनीक के बारे में बातचीत करूंगा, जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी। आइए तो जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी एक रेवोल्यूशनरी नए तरीके की सर्जरी है, जिसमें कान के समस्त ऑपरेशन बिना किसी टाके के, बिना किसी चीरे के किए जाते हैं। और इसका लाभ जो पेशेंट्स को मिलता है कि उनकी रिकवरी टाइम बहुत जल्दी होता है, सेम डे उनका डिस्चार्ज हो सकता है हॉस्पिटल से, बाहर से कोई पट्टी नहीं आती या कोई बैंडेज नहीं होता, और पेशेंट का जो छुट्टी का टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स जिनको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, उनके लिए भी ये सर्जरी बेस्ट है, क्योंकि कोई बाहर से इसमें निशान नहीं आता तो किसी को पता नहीं लग पाता कि उनका कान का कोई प्रॉब्लम था और उनका सर्जरी हुआ है। आइए तो जानते हैं एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी कैसे करा जाता है। कन्वेंशनली ईयर सर्जरी को करने के लिए कान के पीछे से चीरा लगाया जाता है। कान को काट के पीछे से जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, जिसे टेम्पोरालिस फेशिया कहते हैं, उसको लेके उससे हम नया पर्दा बनाते हैं। इस तरीके से कान के पीछे टाके आते हैं और कई बार इस टाकों में दर्द रह सकता है या फिर सनसनाहट रह सकती है। इसके साथ ही साथ रिकवरी टाइम भी कई बार 2 से 3 हफ्ते तक का हो सकता है। इस सारे प्रोसेस में जो एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी है, इसमें हम कोई कट या चीरा नहीं लगाते हैं। कान के नेचुरल रास्ते से ऑरिफिस से एक स्पेशल एंडोस्कोप जो कि 3 mm का होता है और उसमें एक स्पेशल कर्वेचर होता है 30 डिग्री का, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल जर्मन पेनेटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें सक्शन इनबिल्ट होता है। इसके द्वारा ऑपरेशन को किया जाता है। इसमें हम कान के अंदर से जो हमारा बाहरी हिस्सा होता है, जिसको हम ट्रैगस कहते हैं, वहाँ से एक पतली परत जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, उसको निकालते हैं और कान के पर्दे को ग्राफ्टिंग करते हैं। इसके साथ साथ बहुत पेशेंट्स में जो कार्टिलेज का सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ट्रैगस से हम कार्टिलेज का पीस लेके भी वहाँ पे लगाते हैं। इसके साथ साथ कान में जो सुनाई की कमी होती है, जो कि सुनाई की हड्डियों के गलने की वजह से होती है, उसका भी इलाज एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी से किया जा सकता है। और अगर कोई हमारे कान में कैल्शियम जमने की वजह से हड्डियाँ जाम हो रही हों या फिर कोई हड्डी में इन्फेक्शन लग रहा हो, उसका इलाज भी एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। ये बहुत ही नई तकनीक है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और हमारे कन्वेंशनल सर्जरी के से मिलते जुलते हैं, और पेशेंट के लिए इसमें बहुत रिकवरी टाइम बहुत शॉर्ट होता है और बाहर से कोई भी कट या स्टिच नहीं आने के वजह से उसके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट और इजी ऑपरेशन होता है। थैंक यू।